रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कभी जलेबी बनाते, कभी कबड्डी लड़ते, कभी आलू की टिक्की सेकते तो कभी कड़ी चावल का स्वाद लेकर उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की जमीन मजबूत करते हरीश रावत इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता, चुनाव के स्टार प्रचारक और पूर्व सीएम हरीश रावत अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लगातार वो चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। हरीश रावत 1 फरवरी को हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे। इस बार हरीश रावत हरिद्वार में एक ठेले पर कड़ी चावल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रचार के दौरान हरीश रावत का लोगों ने जगह जगह पर जोरदार स्वागत भी किया। हरीश रावत ने नारसन से लेकर श्यामपुर और फिर हरिद्वार शहर सीट पर घूम घूम कर कांग्रेस को वोट करने की अपील की। इसी दौरान वो तहसील के सामने लगे ठेले पर पहुंच गए और कढ़ी चावल खाने लगे। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सियासी रंगों के साथ साथ हरीश रावत का ये रंग भी देखने को मिल रहा है। कभी जलेबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कढ़ी चावल खाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और जो उनके समर्थक है उनके साथ रहते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर में रोड शो करके आया हूँ। रुड़की में बहुत अच्छा कार्यालय का शुभारंभ हुआ कल। हमने गुरुकुल, हमने कांगड़ी में भी कार्यालय किया था, बहुत अच्छा रहा। कल शाम हमने कनखल में पदयात्रा की थी, बहुत जोश था लोगों में, बड़ा उत्साह। लोग कांग्रेस को ला रहे हैं और हरिद्वार इस समय राज्य में कांग्रेस को लाने का नेतृत्व कर रहा है। हरिद्वार के नेतृत्व में हम कांग्रेस आ रही है, ये हरिद्वार सुनिश्चित करने जा रहा है। ये भाजपा इस समय केवल चुनावी दृष्टिकोण से, इन 5 राज्यों में भाजपा जानती है कि यदि हारे तो आगे के लिए राह भाजपा की न केवल कठिन हो जाएगी बल्कि 2024 उनसे दूर चला जाएगा। इसलिए इन राज्यों को दृष्टिगत करके बजट बनाया गया, फिर भी ये निराशाजनक बजट है। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है और उसी अंदाज से जुड़ी 4 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सियासी पारा तो चढ़ा ही हुआ है, लेकिन लोगों के बीच जाने का, उनके बीच मौजूद रहने का ये भी एक अच्छा और नया तरीका है। पहली तस्वीर आप हल्द्वानी की देखेंगे, 28 जनवरी की ये तस्वीर है, जहां पर हरीश रावत आपको जलेबी बनाते हुए नजर आएंगे। उनके समर्थक साथ में मौजूद हैं और लोगों को जलेबी खिला भी रहे हैं। दूसरी तस्वीर लालकुआ से है। हरदा ने कबड्डी यहां से खेली है, इस बार लालकुआ से ही वो मैदान में है और कबड्डी खेलते हुए युवाओं को अपने साथ लेने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, कनखल की तस्वीर है, 1 फरवरी यानी कि कल की ये तस्वीर है, जहां पर टिक्की बनाते हुए हरीश रावत नजर आ रहे हैं, आम लोगों के बीच जाते हैं और इस तरीके का अलग अंदाज उनका देखने को मिलता है। और जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीर है, कल की ये तस्वीर, जहां पर कढ़ी चावल की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर कढ़ी चावल अपने समर्थकों के साथ खाते हुए लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वही उत्तराखंड की सियासी जंग में अब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर नैनीताल के मल्लीताल की है, जहां एक जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्या भावुक हो उठी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, हरिद्वार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बेटी के पक्ष में प्रचार करने के दौरान हरीश रावत भावुक हो गए, जिसके बाद उनकी बेटी अनुपमा रावत की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। दरअसल हरीश रावत 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली हार का जिक्र कर रहे थे, इस दौरान वो भावुक हो गए। तो अब ये इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। जनता के बीच जब प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, तो आंखों से आंसू भी झलक रहे हैं और वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पुराने साथी भी मैंने देखा, तब मैंने अपने को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, वो भी रोने लग गए। देखिए
हरीश रावत जी ने अपनी बातें लोगों के सामने रखी, हमारे लोग यहाँ पर हैं और सभी लोगों से जितने भी यहाँ आए थे हज़ारों की तादाद में लोग हरिद्वार ग्रामीण पैकेज के, उनसे हमारा भावनात्मक लगाव है और कई वर्षों का है। ऐसे क्षण आ जाते हैं कि व्यक्ति भावनाओं में हो जाता है और जब व्यक्ति बहुत ही दिल से किसी के लिए मन से सेवा करता है और उसका फल उस समय उस तरीके का नहीं मिल पाता तो कई बार हो जाता है। तो हरीश रावत जी भी भावनाओं में बहे और उनको देख के कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ ऐसी वो क्षण था कि मुझे भी वो चीज़ें याद आ गई और मैं भी बह गई। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगी। इस दौरान वो उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी करेंगी, जिसमें कांग्रेस सरकार के कामों का ब्यौरा होगा। साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़ी कई चुनावी वादे भी होंगे। इसके अलावा आज प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगी। सुबह 11 बजे देहरादून से प्रियंका गांधी वर्चुअल रैली के जरिए प्रचार की शुरुआत करेंगी। इस कार्यक्रम के जरिए वो प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं से जुड़ेंगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर दिसंबर में राहुल गांधी की रैली के बाद ये पार्टी की दूसरी बड़ी रैली होने जा रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी रैलियों के लिए 1000 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रियंका की इस रैली को वर्चुअल रूप से राज्य की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से जोड़ते हुए पूरे राज्य को कवर करेगी। हम बड़े उत्साहित हैं कि प्रियंका जी उपहारों का एक बंच लेकर उत्तराखंड पहुंच रही हैं और हमारी घोषणा पत्र में जो जो बिंदु होने चाहिए उनको यहाँ पर वो उनके हाथों से इनॉग्रेट करेंगे। यहाँ महंगाई से त्रस्त लोगों को राहत देने के लिए प्रियंका जी का यहाँ आना और हमारे घोषणा पत्र में वो ये सब बातें शामिल करना, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश की जनता के लिए बड़ा तोहफा है। और देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आएगा, मैनिफेस्टो में क्या रहेगा इस पर तो सभी की नजरें टिकी ही हुई हैं, लेकिन ये जो जनसभा होने वाली है 70 विधानसभाओं को कवर करेगी उसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए गुंजन, आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून आ रही हैं। 11 बजे के बाद वो देहरादून में पहुंचेंगे और यहाँ पर एक निजी जो एक होटल है वहाँ से वो आज तमाम जो 70 विधानसभाएं हैं वहाँ के प्रत्याशियों के साथ जुड़ेंगे और वहाँ के प्रत्याशियों ने वहाँ पर LED स्क्रीन लगाकर तमाम लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है और ऐसे में आज प्रियंका गांधी वर्चुअली तौर पर सबके साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वर्चुअल रैली और जनसभा के बाद प्रियंका गांधी आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी करने जा रही हैं और कांग्रेस का मानना है कि इस बार उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हर एक वर्ग को छुआ है और तमाम लोगों से राय मशवरा कर इस बार का घोषणा पत्र तैयार किया है। प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उत्साहित हैं। इस समय हमारे साथ संगठन महामंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम है मथुरा जोशिया? देखिए, प्रियंका जी को 9:45 में उतरना है जॉली ग्राउंड में उतरना है और उसके बाद वो दून स्कूल जाएंगे अपने निजी कार्यक्रम में और 12 बजे वो लगभग हमारे जो सभा स्थल है जहाँ पर हम कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचेंगी। उसके बाद और हमारे 70 विधानसभाओं में जहाँ जहाँ हमारा हमने सब जगह नेटवर्किंग कर रखी है तो 70 विधानसभाओं के 70,000 लोगों को कांग्रेस का संदेश देंगी, कांग्रेस की नीतियों का, कांग्रेस के आदर्शों का, कांग्रेस के कार्यक्रमों का संदेश देंगी। और हमारा एक घोषणा पत्र है जो हमने प्रतिज्ञा पत्र जिसको नाम दिया है उसको भी जारी हो आज ही करेंगे। क्या खास रहने वाला है कांग्रेस के घोषणा पत्र में? नहीं, कई चीज़ें खास हैं। देखिए, रोजगार की बात हमने कही है, प्रदेश के विकास की बात हमने की है, किसानों के हित की बात हमने की है, व्यापारियों के हित की बात हमने की है। और तो और हमने आपको भी एक खुशखबरी देने वाले हैं, पत्रकार बंधुओं के लिए भी हमने एक अच्छी स्कीम हम लेके आने वाले हैं ताकि पत्रकारों के भी हित सुरक्षित रहे। बहुत नुकसान पत्रकारों को होता है, देर रात आप लोगों को कठिन पर विषम परिस्थितियों में आपको कवरिंग करनी होती है, कवरेज करना होता है, तो आप लोगों के लिए भी अलग से एक स्कीम हम लेके आ रहे हैं। बहुत से हर वर्ग के लिए घोषणा पत्र में हम एक अच्छी स्कीम लाएंगे और कांग्रेस जो कहती है उसको करती है। भाजपा की तरह हम ठगने और छलने का काम नहीं करते। देखिए गुंजन, देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो घोषणा पत्र आज आएगा जिसमें जो भी बातें होंगी उन बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और तमाम वर्गों को आज उसमें शामिल किया गया है हर एक के हित को देखते हुए और लोगों की राय मशवरे के बाद आज घोषणा पत्र बनाया गया है। प्रियंका गांधी के मैनिफेस्टो में क्या वादे किए जाते हैं, वादे कितने पूरे होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन महिला
महिलाओं के लिए क्या खास होगा, किसानों के लिए क्या खास होगा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर देखना होगा कि इस मैनिफेस्टो में क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही खबर उत्तरकाशी से, जहां रामलीला मैदान में प्रियंका की वर्चुअल रैली का आज आयोजन होना है। 11 बजे देहरादून से प्रियंका गांधी वर्चुअल रैली करेंगी। तीनों विधानसभाओं में अलग अलग जगह पर जाकर वर्चुअल रैली होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली का आज आयोजन होना है। 11 बजे देहरादून से प्रियंका गांधी वर्चुअल रैली करेंगी। तीनों विधानसभा में अलग अलग जगहों पर वर्चुअल रैली होगी, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं यूपी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान अब प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। इसके लिए एलईडी वैन के जरिए मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी दोनों प्रदेशों की सभी 473 सीटों पर, यानी कि 403 सीटें उत्तर प्रदेश की और 70 सीटें उत्तराखंड की, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर उत्तराखंड में खास तैयारी है। सभी 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे। उत्तराखंड के सभी जिलों में प्रधानमंत्री का संबोधन लाइव होगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी भी अब वर्चुअल रैली करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा का ये वर्चुअल प्लान है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर उत्तराखंड में खास तौर पर तैयारी भी की गई है। सभी जो 70 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लोग सुन पाएंगे। और देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, प्रधानमंत्री की ओर से आज सभा को संबोधित किया जाएगा, रैली को संबोधित किया जाएगा, क्या उसकी तैयारी और किस तरीके से 70 विधानसभाओं पर इसका प्रसारण होगा, कितने लोग जुड़ेंगे, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल गुंजन, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद है। उत्तराखंड के तमाम जितने भी 70 विधानसभा हैं, वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता वर्चुअल संवाद के माध्यम से जुड़ेंगे। और मैं देहरादून के एक निजी होटल में हूँ, यहाँ पर भी कार्यक्रम है और वर्चुअल संवाद होगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कार्यक्रम की तस्वीरें, पूरी तरह से तैयारी हो रही है। और आज जिस तरह से 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होना है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, क्योंकि कल बजट आया है और बजट के चलते उत्तराखंड को किस तरह से लाभान्वित किया जाए, चाहे रोपवे परियोजना हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या इससे अलावा तमाम जितने भी स्थापना के कार्य हैं उनको लेकर आज बातचीत करेंगे। और उससे अलावा तमाम कार्यकर्ताओं के बैठने का भाई इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सैकड़ों कुर्सी यहाँ पर लगाई गई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जो कार्यक्रम नाम दिया गया है इसका, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन यहाँ पर होगा। और तमाम एक लिहाज से, चुनावी लिहाज से ये भी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होना है 14 फरवरी को। उस लिहाज से काफ़ी ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कल बजट आया है, बजट में क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तराखंड के लिए है, और उस लिहाज से, चुनावी लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। और अगर बात करें तो 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा, जिसके चलते प्रदेश की 70 विधानसभा में और जितने भी बीजेपी के जिला मुख्यालय हैं, वहां पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुना जाएगा। तमाम कार्यकर्ता अपनी अपनी विधानसभा से जुड़ेंगे और इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे संबोधन शुरू होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ होंगे, और उसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूदगी उनकी होगी। लेकिन उस लिहाज से अगर बात करें, जिस तरह से कल बजट आया है, बजट में उत्तर प्रदेश को क्या खास है, उत्तराखंड के लिए क्या खास है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन 11 बजे का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू होगा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से आज का संबोधन काफी महत्वपूर्ण है। डिजिटल तरीके से विरोधियों पर किस तरीके से स्ट्राइक की जाए, इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और इसका एक नमूना देखने को भी आज मिलेगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही आज रुड़की के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद देहरादून से रुड़की के लिए रवाना होंगे। रुड़की में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। दोपहर करीब 3 बजे सीएम धामी रुड़की पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है।
करीब 11 बजे उसके बाद देहरादून से रुड़की के लिए रवाना होंगे। रुड़की में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी से खबर, जहां आपने चुनावी कैंपेनिंग तेज कर दी है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का कुमाऊं का दौरा है। 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर गोपाल राय रहने वाले हैं। आज हल्द्वानी से नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत करेंगे। चंपावत, खटीमा और किच्छा में भी नव परिवर्तन संवाद किया जाएगा। अंकित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी कैंपेन कर रही है, वहीं आप भी अब पीछे नहीं है। देखिए गुंजन, आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा चुनावी मूड में आ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी कैंपेनिंग तेज कर दी है। वहीं आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय हल्द्वानी आएंगे और 4 दिवस इनका कुमाऊं दौरा है और हल्द्वानी के निजी बैंकेट हाउस है नव परिवर्तन जनसभा की शुरुआत करेंगे और 3 तारीख को चंपावत और खटीमा और 4 तारीख को किच्छा में इसकी शुरुआत होगी। वहीं जिस तरह से लगा रहे थे भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस लिए चुनाव के मद्देनजर, वहीं आम आदमी पार्टी भी अब दौरे पर लग गई है और लगातार जनता के बीच अपने संवाद कर रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में भाजपा का चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। कल देवभूमि आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 फरवरी को जेपी नड्डा का गंगोत्री और रामनगर का दौरा है। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो उत्तराखंड में भी चुनावी कैंपेन को और तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कल देवभूमि में जेपी नड्डा का दौरा है। 3 फरवरी को जेपी नड्डा गंगोत्री और रामनगर का दौरा करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं रुड़की से भी खबर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने प्रदेश से सटी हुई सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। हर गाड़ी की सघन जांच के बाद ही अब एंट्री मिल पाएगी। नारसन बॉर्डर मंडावर लखनौता झबरेड़ा में सख्ती को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनावों को देखते हुए पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश से सटी हुई सीमाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिल पा रही है। नारसन बॉर्डर मंडावर लखनौता झबरेड़ा में खास तौर पर सख्ती को बढ़ा दिया गया है।